Okay ji, bismillahir rahmanir rahim and assalamu alaikum jawano. Welcome back to the new lecture of the chapter physical optics, and in this particular lecture we are going to understand very important characteristic property of light, that is polarization of light. Theek hai ji, acha ab definition maine likhi hui hai. What is polarization? It is actually the phenomena of restricting. Restricting means आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो? पाबंदी लगा रहे हो. Restricting a light, जिसको फिर Maxwell ने प्रूफ किया, right? Maxwell ने theoretically प्रूफ किया in 1864. James Clerk Maxwell, a Scottish physicist, सही जी, in 1864 or 65, right? He showed that light is nothing but oscillating electric and magnetic fields, because change in electric field produces magnetic field, and then change in magnetic field produces electric field. ठीक है जी? So that is कि if this is electric field, then this happens to be the magnetic field, और दोनों आपस में एनर्जी को बांट कर जो है इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं with the speed of light. He proved that. It is a very beautiful four equations. Electromagnetic theory जिससे हम बनते हैं, जिससे बनती है, right? So he unified the laws of electricity and magnetism, and at the end he showed that light is nothing but oscillating electric and magnetic fields, right? Anyhow, the thing that you need to know is कि he proved that light is oscillating electric and magnetic fields, ठीक है जी? And electric field and magnetic field are oscillating at 90 degree to one another, ठीक है जी? अगर आप यहाँ पर देख लो, so this is the three dimensional axis. So this is electric field part, magnetic field part, and this is speed of light. Anyhow, थोड़ी दिमाग आपको clear हो जाएगा. So this is the, जो black नजर आ रहा है, ये electric field है, right? और उसी के corresponding 90 degree पे ये जो blue आपको नजर आ रहा है, ये magnetic field है, right? So इस तरह आपस में energy को bond कर लेकर जा रहे हैं. अच्छा, so थोड़ा दरगाह में electromagnetic wave को मैंने समझाना था, right? So the phenomena of restricting a light, मतलब electromagnetic wave into a single plane of vibration is called polarization of light. अच्छा जी, तो ये तो मैंने define कर दिया. इसकी तकरीबन 20% इससे की भी आपको समझ नहीं आई होगी, अब समझते हैं, ठीक है? Now we are going to dismantle it, right? अच्छा, अब यहाँ पर से मैं एक source ले लेता हूँ, ठीक है जी? This is a source, ठीक है जी? तो सोर्स से जो लाइट निकलता है, राइट, तो वो पोलराइज नहीं होता बल्कि अनपोलराइज होता है. अनपोलराइज का क्या मतलब है? मैंने यहां पर ये मॉडल तैयार कर रखा है, ठीक है जी, राइट. अगर मैं आपसे कहूं, इसलिए मैं पहले यहां पर लिख लेता हूं कि सोर्स से लाइट निकल रहा है, ठीक है जी, राइट, कुछ ऐसे. यहां पर मैं पहले इसको इजिली डिफाइन कर लेता हूं कि लेट अस से ये सोर्स है, और इधर से हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में क्या हो रहा है? लाइट निकल रहा है. एंड सिंस लाइट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू डील लाइट लाइक दैट इट इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री टू वन अनदर, जस्ट लाइक दिस. इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया पहले से, और अभी आपको एक मॉडल बना दूंगा तो बड़ा क्लियर हो जाएगा. सो अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ब्लैक से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, याद रखिएगा, और मैग्नेटिक फील्ड में ब्लू से रिप्रेजेंट करूंगा ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको, ठीक है. अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक सोर्स से लाइट निकल रहा है, राइट, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट है, एक लाइट पल्स इस तरह निकल रहा है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, राइट. लेट मी शो इट ओवर हियर, राइट. सो दिस इज, लेट अस से वन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे है, राइट, लाइक दिस, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री ऐसे होगा, लाइक दिस, राइट. सो द मैग्नेटिक फील्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एट 90 डिग्री टू इट, सो दैट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो वन के साथ रिलेटेड ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट. अच्छा, अब जरूरी तो नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने हमेशा ऐसे ही होना है, राइट. जो सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो ऐसे ऐसे भी तो निकल सकता है, राइट, ठीक है जी. सो आपके पास लेट अस से एक दूसरा पल्स है, वो आपके पास ऐसे निकल रहा है, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट है वो ऐसे है एट सम एंगल,
राइट, मतलब ऐसे 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 जा रहा है आपके पास, राइट right? तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके 90 डिग्री पर होगा, तो द मैग्नेटिक फील्ड विल बी एट 90 डिग्री टू दिस वन, इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा इट विल बी लाइक दिस, राइट। सो द मैग्नेटिक फील्ड टू दिस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट शुड बी लाइक दिस, सो दिस इज टू एंड दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अच्छा जी, अब यहां पर मैं एक तीसरा कर लेता हूं, और वो तीसरे के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे आ रहा है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी एट 90 डिग्री टू इट, तो अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा। तो अब अगर तीसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उससे वेव पल्स निकल रहा है उसी के साथ, तो आपके पास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हुआ, राइट। तो जाहिर सी बात है तीसरे का जो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, सो द मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इट इज गोइंग टू ऑसिलेट लाइक दिस इन दिस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन, सो दिस इज 3, राइट। चलिए एक और भी ले लेते हैं, लेट अस एक और पल्स निकल रहा है वो आपके पास ऐसे निकल रहा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऐसे ऐसे हो रहा है ऑसिलेट लाइक दिस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू इट, तो इस ऑसिलेशन को परपेंडिकुलर ऑसिलेशन क्या होंगी, दिस वन, ठीक है जी। सो दिस हैपेंस टू बी द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट, राइट। सो अगर आप ये 4 है और ये 4 इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेटेड है, सो दैट्स मोर देन इनफ समझने के लिए, ठीक है जी। सो मैं इसको थोड़ा सा पेन पे आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। इफ द इलेक्ट्रिक वन को करने के ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए, बिकॉज अगर आपको ये समझ आ गया तो बाकी फिर मुश्किल नहीं है, फिर हम समझ लेंगे इसको। पहले आपको उसको समझना है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट कैसे करते हैं। सो देखते जाएं, इफ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैंने ब्लू से ब्लैक से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो देखते जाएं, बिल्कुल मैं आपके सामने, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सो लेट अस से द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस राइट नाउ। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे हो जाएगा उल्टा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और इस तरह से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, कभी ऐसे राइट तो कभी ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इज कभी ऐसे तो कभी ऐसे, तो आपके पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक, और आपकी तरफ इस तरह ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब दिस सी, राइट। सो दैट इज द थिंग, राइट। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है लाइक दिस, ठीक है जी, सो कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एट दिस वेरी इंस्टेंट इज गोइंग टू बी लाइक दिस वन, बिकॉज 90 डिग्री पर होंगे ना। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी ऑल्सो लाइक दिस, अगेन 90, फिर अगेन जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज अगेन गोइंग टू बी लाइक दिस, राइट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट्स द वे इट गोज, राइट। अच्छा, अब यहां पर मैं इन तमाम को एक ही साथ यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। तो जब एक ही साथ यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, तो यहां पर जरा अगर आप देख लो, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 1, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है जी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पार्ट को, और दिमाग में रहना चाहिए कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर एक कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड मैं इसके अंदर ड्रॉ नहीं कर रहा। देखिए फॉर एग्जांपल, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ना, लाइक दिस एंड लाइक दिस, वन वाला अगर आप देख लो, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड उसकी 90 डिग्री पर ऐसे ऐसे होता जाएगा, राइट। अब मैं वो फिलहाल यहां पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि डायग्राम बड़ा मैस्ड अप हो जाएगा, तो दिमाग में आपकी इमेजिनेशन में होना चाहिए कि हर एक के साथ 90 डिग्री पे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मैं सिर्फ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है जी। सो इट विल बी नंबर 2, देन नंबर 3, जो तीसरा पल्स निकल रहा है सोर्स से, सो इट विल बी लाइक दिस, राइट, ठीक है जी, और चौथा जो है वो ऐसा है, राइट, दिस इज नंबर 4, राइट, दिस वन, राइट। सो अगर अब आप देख लो, ये जो लाइट निकल रही है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 2, 3, 4 की कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होंगे, कैसे, फॉर एग्जाम्पल चले ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। 1 का कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, ऐसे, सो इट इज गोइंग टू बी 1,
One का corresponding magnetic field, right? Two का corresponding magnetic field कैसा है? Like this. So this is going to be 2, right? Three का corresponding magnetic field कैसा है? Like this. So this is going to be 3. और 4 का corresponding magnetic field कैसा है? Like this. So this is going to be 4, right? So 1 का electric field, 1 का magnetic field, 2 का electric field, right? 2 का magnetic field, right? And that's the way it goes. ठीक है जी? अब मैं याद रखिएगा, अगर मैं इनमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट खत्म कर दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं इनमें से एक का इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट खत्म कर दूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड पार्ट भी नहीं रहेगा, वो भी सर्वाइव नहीं कर सकेगा, बिकॉज चेंज इन वन प्रोड्यूस द अदर एंड द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, राइट? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड produces a magnetic field and change in magnetic field produces an electric field. This is the basic essence of Maxwell equations. ठीक है जी? Right? अच्छा, बस सिर्फ फिलहाल आपकी first year के level तक आपको इतना पता होना चाहिए. इंशाल्लाह से second year के chapter number 5 में आप लोग ये पढ़ोगे, और अगर आप बहुत ज्यादा शौकीन हो और आप में learn करने की ability और stamina है, तो भाई simple बात है, मैंने इस video इस Maxwell equations पे lectures किए हैं, मैं उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो है इसी सॉरी उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, देख लेना. सही जी? अगर बर्दाश्त कर सके तो ठीक है, और अगर उसकी तजल्ली को बर्दाश्त नहीं कर सके तो काइंडली उसको साइड में करो. बस फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए, राइट? बस इतना ही आप हजम करो. ठीक है जी? ओके, ये हुआ आपके पास. अब इस स्लाइड को हम कहते हैं अनपोलराइज्ड, बिकॉज The light is सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड पार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि हर एक के साथ उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 90 डिग्री पे ऑसिलेट होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है. अच्छा, अब यहां पर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो देखें, वन इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा, तीसरा और चौथा, राइट? देखें, 1, 2, 3 और 4, राइट? अब ये जो लाइट्स है, So, ये जो आपके पास जो वाइब्रेशन है, तो ये हर प्लेन में है, इस प्लेन में भी है, इस प्लेन में भी है, इस प्लेन, हर प्लेन में है. अगर मैं इसको रिड्यूस कर दूं टू ओनली वन प्लेन, या तो सिर्फ सारे ऐसे ऐसे हो जाए, राइट? या सारे ऐसे ऐसे हो जाए, या सारे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन सारे पर होने चाहिए लाइक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट, राइट? या फिर सारे ऐसे. तो अगर मैं उसको एक प्लेन में क्या कर दूं, रिस्ट्रिक्ट कर दूं, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पोलराइजेशन. देखिए, अगर यहां पर देखते तो मल्टी पोल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह, वहां पर सिर्फ दो पोल्स बन जाएंगे, बिकॉज या तो ये वाला पोल होगा या ये वाला पोल होगा. सो पोलराइज्ड आपने कर दिया है. सो क्या हो गया, द फेनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग अ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनटू अ सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट. अच्छा जी, अब बिफोर मूविंग फर्दर, ये एक गिसापिटा सा मॉडल बनाया हुआ है, लेकिन आई बिलीव इट विल बी हेल्पफुल, राइट? सो ये मैं आपको थोड़ा सा आपके सामने कर देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी इसकी क्लैरिटी आ जाए. सो देखते जाएं, शायद आपको थोड़ा सा उसके अंदर क्लैरिटी आ जाए, विजुअलाइज करने में आसानी हो जाए, राइट? सो इट विल बी लाइक दिस, राइट? नाउ ये जो आपको वर्टिकल नजर आ रहा है ना, ये ऐसे ऐसे वाला पार्ट, राइट? This represents electric field, right? वहां पर उसके साथ कंपेयर करते जाए, ठीक है जी? यहां पर थोड़ा करीब करके दे देता हूं. और वो जो ऐसे ऐसे वाला पार्ट है ना, लाइक दिस, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया, यहां पर भी मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, राइट? ठीक है जी? इफ यू कैन विजुअलाइज दिस थिंग नाउ, आई बिलीव अब तो थोड़ा सा सिंपल हो चुका होगा. सो देखते जाए, वन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड एट 90 डिग्री. फिर जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होने की बजाय ऐसे हो जाए, राइट? लाइक दिस, राइट? दिस वन, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे हुआ करता था वो ऐसे हो गया, राइट? सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? दिस वन, दिस वन, दिस वन, देन ये वाला जो नीचे नजर आ रहा है, और देन दिस वन, एंड दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, राइट? सो यहां पर मैं थोड़ा सा आपके सामने इस तरह कर देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, लाइक दिस. If you can see them, right?
नाउ ओके एक मिनट थोड़ा सा इसको इस तरह कर देते हैं. हाँ सो लाइक दिस मुख्तलिफ एंगल से राइट. मैं थोड़ा सा थोड़ी तरीके से इसलिए पकड़ रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करने में आसानी हो राइट. ये अब मैग्नेटिक फील्ड्स पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ठीक हुआ जी राइट. यू कैन सी द विजुअलाइजेशन. मैं यहां पर इसकी विजुअलाइजेशन भी दे दूंगा ठीक है जी. एनिमेशन की जो विजुअलाइजेशन जो एट लिंक्स है वो मैं यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. सो दिस इज तो सोर्स से जब लाइट निकलता है देखिए ये एक पल्स है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ये है और ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है. लेट अस से ये नजर आ रहा है ना. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड राइट एंड दिस हैपेंस टू बी द मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन जरूरी नहीं कैसे निकले ऐसे भी हो सकता है राइट. सो अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस तो ऐसे भी हो सकता है. ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया नंबर थ्री को देखने और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया. इफ यू कैन विजुअलाइज दिस थिंग ठीक है जी. फिर आपके पास ये सिचुएशन ऐसे भी हो सकती है. ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट और साथ में उसके 90 डिग्री पे कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है. आई बिलीव दिस वाज हेल्पफुल. सो अब जो है आगे मूव करते हैं राइट. अब आते हैं इसके ऊपर कि पोलराइजेशन हम कैसे करते हैं. सो नाउ कमिंग टू सो काइंडली ये नोट कर लें देन आई एम गोइंग टू वाइप दिस थिंग ऑफ ठीक है जी. आई बिलीव नोट कर लिया होगा आपने. सो अब मैं ये यूज करने लगा ठीक है. ओके अब आप लोगों ने कभी अगर पोलराइट ग्लासेस सुने हैं जो कि क्या करते हैं इंटेंसिटी को कम कर देते हैं सूरज से आने वाली इंटेंसिटी को ग्लेयर रिड्यूसिंग द ग्लेयर ठीक है जी. खैर वो आपके पास इसके एडवांटेजेस में आएगा जो उसके ऊपर आएंगे. अब ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स नजर आ रहे हैं तो सोर्स से हमेशा जो लाइट निकलता है वो अनपोलराइज लाइट होता है. नाउ दिस इज अनपोलराइज लाइट दिस इज वन ठीक है जी. लाइक दिस एंड लाइक दिस ये वही वाला मैंने ड्रॉप किया ठीक है जी. सो 1 2 3 4 राइट ठीक हुआ जी. मैं देख लूं कि क्लियर नजर भी आ रहा है कि नहीं जी. इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. हाँ नाउ इट्स बेटर ठीक है जी. सो अब ये आपके पास आ गया है ठीक है जी. सिचुएशन आपके पास ऐसी आ गई है. अब आते हैं जी समझते हैं इसको. अब एक ग्लास बनाया जाता है मैन्युफैक्चर किया जाता है. अब उस ग्लास की डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि वो किस क्रिस्टल से बना होता है बड़ी डिटेल उसके अंदर जाएंगे. लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस तरह ग्लासेस बनाए जा सकते हैं जो कि काम करते हैं एज अ फिल्टर. जाली नहीं होती जाली राइट. और वो फिल्टर जो है वो इस तरह होते हैं देखते जाए जरा. ये मैं वाइप ऑफ कर देता हूं और याद रखिएगा इसका मैग्नेटिक फील्ड में वाइप ऑफ नहीं करना बिकॉज दिमाग में होना चाहिए ठीक है. और क्या चुका हूं एक इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दो तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं रहता. अब यहां पर हम एक ग्लास यूज करते हैं और वो ग्लास को हम कहते हैं पोलराइजर या पोलराइड ग्लासेस ठीक है जी. अच्छा और वो पोलराइड ग्लासेस ऐसे होते हैं कि वो फिल्टर का काम करते हैं. फिल्टर का काम कैसे करते हैं कि लाइक दिस देखते जाए उसके अंदर इस तरह के अच्छा ये आपके पास हो गया राइट. अच्छा अब यहां पर सिंपल ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब इधर से पास होंगे और याद रखिएगा मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा हुआ है तो उस ग्लास की जो मिसाल है वो एक जाली की होती है और उस जाली के अंदर जो आपके पास जो 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 तारे लगी हुई है वो ऐसे ऐसे लगी हुई है राइट. अच्छा अब ये तारे इस तरह एक्चुअली नहीं लगी होती ग्लास होता है. मैं सिर्फ एनालॉजी दे रहा हूं एक ठीक है जी राइट. अब इसके बेसिक्स पे बाद में आएंगे. तो लाइट जब इधर से होके आता है तो उसके अंदर उस ग्लास के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट ऐसी हुई होती है. अब वो कैसी होती है दैट इज अ डिस्कशन फॉर अनदर टाइम या शायद इस वीडियो के एंड में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं. फिलहाल यू जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट कि उस ग्लास के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है राइट कि वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को पास करता है और कुछ को पास नहीं करता. अब फिलहाल इसके अंदर एटम्स की अरेंजमेंट ऐसी हुई है कि ये सिर्फ ऐसे ऐसे जाने वालों को पास करेगा उसके अलावा जो है इस तरफ जाने वालों को पास नहीं करेगा. तो अब देखिए ये जो इस तरफ आएगा इस
तो अगर आप देख लो तो ये जो वन को अगर आप देख लो तो वन इसके थ्रू स्ट्रेट निकल सकता है लाइक दिस, राइट राइट, वन इस जाली के थ्रू स्ट्रेट निकल सकता है। फिलहाल मैं सिर्फ किनारे ही दे रहा हूं जाली से, तो वन स्ट्रेट निकल आएगा और इस साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, इस तरह आ रहे हैं, तो वन इस साइड पे निकल आएगा, दिस इज वन, दिस इज वन, वन सारा का सारा निकल आया, राइट, तो वन को पूरी जा सकता है, ठीक है जी, बिकॉज वो जो जाली लगी हुई है वो उस वन को बिल्कुल सपोर्ट कर रही है, सूट कर रही है। अच्छा अब किस पे आते हैं जी, वन का तो, वन को तो मैंने क्लियर कर दिया ना, वो तो पास हो गया, ओके अब मैं टिक कर बता रहा हूं ना जिसको मैं पास करवा रहा हूं। अब जब वो सारे के सारे आएंगे तो आपके पास सिचुएशन क्या आ जाएगी कि टू को जरा देखते हैं, टू क्या होता है। अब टू अगर आप देख लो, राइट, टू इज लाइक दिस। अब इसका कुछ ये वाला हिस्सा भी है और कुछ उसका हॉरिजॉन्टल हिस्सा भी है। अब अगर आप टू को देख लो तो टू का ये वाला हिस्सा अलाउड है जो वर्टिकल है, दिस वन, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने उसके ऊपर ये डाला है, राइट, वेक्टर। सो जो ये वाला पार्ट है ये तो अलाउ हो जाएगा बिकॉज वो जाली ऐसी है ना, लेकिन ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक, और ये वाला सिर्फ अलाउ हो जाएगा। तो दिस इज वन जो कि फुल हुआ, लेकिन वो जो टू है वो हाफ अलाउड हो गया है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, और जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ब्लॉक हो गया है। सो ये अलाउ हो जाएगा, तो आपके टू का ये हिस्सा सिर्फ निकल आया, दिस इज टू, ठीक है जी, राइट, वन सारा का सारा पास हो गया था ना, बिकॉज वन का कोई हॉरिजॉन्टल हिस्सा बनता नहीं था, वो प्योरली वर्टिकल में वाइब्रेट कर रहा था। दिमाग में रखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, तो यहां पर आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि जो टू है वो अगर हाफ ब्लॉक हो गया है तो इसके साथ रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो भी ब्लॉक हो चुका होगा, और इस जो अलाउ हो गया है इसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट बनेगा ना वो अलाउ हो जाएगा, और उसी मिकदार से अलाउ होगा जिस मिकदार से ये अलाउ हो रहा है। तो दिमाग में होना चाहिए, लेकिन वो यहां पर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, लंबा चौड़ा किस्सा हो जाएगा, ठीक है जी, हाँ, राइट। अच्छा अब थ्री पर आते हैं, राइट, अब थ्री अगर आप देख लो, राइट, लेट मी वाइप दिस थिंग ऑफ, इफ यू कैन लुक एट थ्री, तो थ्री बेचारा प्योरली हॉरिजॉन्टल है, तो ये तो जब आएगा ना तो बिल्कुल ऐसे जिस तरह की देखेंगे इस तरह पास गया, वन इस तरह पास हो गया था, टू का कुछ ना कुछ हिस्सा इस तरह निकल आया, लेकिन थ्री बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। सो थ्री विल बी कंप्लीटली ब्लॉक्ड, कंप्लीटली ब्लॉक्ड, बिकॉज थ्री का कोई भी हिस्सा, थ्री के कोई भी पार्ट जो है वो इस तरह वाइब्रेशन में नहीं है, वो सारा का सारा ऐसे है, राइट, और ये वाला जो ये सिर्फ इस वाले को छोड़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली थ्री विल बी कंप्लीटली ब्लॉक्ड, तो आपको इस साइड पे थ्री नहीं दिखने लगा, राइट। अच्छा अब फोर पे आ जाते हैं, फोर की बारी है, तो फोर भी जस्ट लाइक टू पार्शियली अलाउ होगा, हाफ अलाउ हो जाएगा और हाफ ब्लॉक्ड हो जाएगा लाइक दिस, देखिए दिस इज फोर, दिस इज फोर, इफ यू कैन लुक एट इट, राइट, तो फोर का जो ये वाला हिस्सा है वर्टिकल, दिस विल बी अलाउड, और जो ये वाला हिस्सा है दिस विल बी ब्लॉक्ड, तो फोर जो है वो इस साइड पे आ गया जस्ट लाइक टू, राइट, तो फोर का दिस इज फोर, दिस इज टू, ठीक है जी। अच्छा जी, और दिमाग में रखिए कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी निकल आया होगा, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या हो चुका होगा, ब्लॉक हो चुका होगा। सो अब अगर आप देख लो, नाउ जस्ट लुक एट इट, राइट, दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, पोलराइज मतलब जब उसके दो पोल्स बन जाए, राइट, यहां पर जब इससे लाइट निकल कर आ रहा है, इस ग्लास से जब लाइट निकल कर आ रहा है, तो वो ग्लास जो है वो सिर्फ वर्टिकल्स वाले को अलाउ कर रहा है, हॉरिजॉन्टल्स वाले को ब्लॉक करता जा रहा है। तो यहां पर जब आपके पास निकल आया है, तो अब अगर आप देख लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट या ऑसिलेट करता हुआ नजर आएगा, और वो कौन सा है, सिर्फ ये वाला, राइट, बाकी सारे ब्लॉक हो गए हैं। सो दिस इज नाउ व्हाट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट भी होता है, लेकिन उसको विजुअलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो उसको वो आपके कोर्स में भी नहीं है, ये एक प्लेन के अंदर पोलराइज हो गया है।
This is called plane polarized light and this phenomena is called polarization. आपने restrict कर दिया है light को कि वो सिर्फ oscillate करे in one plane of vibration. तो अगर उसके electric field को आपने इस plane में देखिए ये अल्फाज पे गौर करें, अगर आपने light के electric field वाले part को इस प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया है टू ऑसिलेट और वाइब्रेट लाइक दिस, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सारे के सारे इस प्लेन में वाइब्रेट करेंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएंगे, राइट? तो सिर्फ ये वाले अलाउड हो जाएंगे. तो यहां पर अगर मैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाऊ कि वो जो इनके साथ निकले हैं, राइट, वो ये होंगे. देखिए चाहे वन तो पूरा का पूरा निकला है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी पूरा का पूरा ही निकल चुका होगा, राइट, फुली अलाउड. ठीक है जी. अच्छा, अब अगर 2 और 4 को आप देख लो तो वो पार्शियली निकले हैं, तो उनके भी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे? 2 का मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, उसी के लिहाज से, सॉरी ब्लू से रिप्रेजेंट करना था मुझे, सो 2 का आपके पास उसी के मिकदार से, राइट, सो इट विल बी लाइक दिस, दिस इज 2, राइट, सॉरी दिस इज 1, सॉरी फॉर दैट, दिस इज 1, दिस इज 2. देखिए 1 वाला पूरा, 2 वाला हाफ, 4 वाला भी हाफ, राइट. So these are the corresponding magnetic fields जो कि उधर से निकल जाएंगे, बाकी block हो जाएंगे, right? So this is what polarization, कि आपने electric और magnetic field parts को restrict कर दिया into one plane of polarization, one plane of vibration. This phenomena is called polarization of light. और एक बात बड़ी important, polarization of light यहाँ पर, right? This shows, मतलब by this I mean polarization, note में लिख लें अपने साथ. This shows the transverse nature of light. ये आपको light का कौन सा nature show करता है? कि light is actually transverse in nature, right? Transverse mechanical नहीं है, electromagnetic है. इसको आप transverse electromagnetic waves कहेंगे. देखिए, अगर आपको याद हो longitudinal waves क्या थे? In which the particles of the medium vibrate parallel या in the dimension of the flow of energy. अगर energy ऐसे flow कर रही है तो particles भी ऐसे vibrate कर रहे थे. Longitudinal mechanical wave, particles की बात कर रहा हूं, medium की सहारा लेना पड़ रहा है. अच्छा, फिर transverse mechanical में क्या होता था? Water waves में या waves produced in a stretch string में, कि energy ऐसे transfer होती थी लेकिन particles ऐसे ऐसे vibrate करते थे. In which particles of the medium vibrate perpendicular to the flow of energy, right? लेकिन यहां पर अगर आप देख लो तो ये मीडियम पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं, या तो कोई पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं बल्कि फील्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. तो ये कोई जो आपके पास जो है कोई सॉलिड चीज नहीं है, फील्ड्स हैं, तो कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो मैकेनिकल तो नहीं हुए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स. ठीक है जी. सो इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are vibrating perpendicular to the flow of energy. अगर आप देख लो तो देखिए flow ऐसे है, this is the flow of energy, flow of energy, या आप कह सकते हो direction of the propagation of the light वो ऐसे है, right? If you can see it like this, ठीक है जी. और electric field part is like this and the magnetic field part is like this, so it happens to be what, 90 degree, सही जी. सो मतलब ट्रांसवर्स हो गए ना, तो नेचर तो ट्रांसवर्स है लेकिन ट्रांसवर्स मैकेनिकल नहीं बल्कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक हुआ. तो याद रखिएगा पोलराइजेशन हमेशा ट्रांसवर्स वेव्स की ही की जा सकती है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो ऑलरेडी पोलराइज हुए होते हैं ना, उनकी तो पोलराइजेशन की जरूरत नहीं होती. ठीक है, राइट. तो ये आपके पास है पोलराइजेशन ऑफ लाइट. ठीक है जी. अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि सोर्स से निकलने वाली लाइट, लेट अस से उसकी जो इंटेंसिटी है, मैं कह देता हूं व्हाट इज इंटेंसिटी. इंटेंसिटी इज एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, आपको पता होना चाहिए. तो लेट अस से सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी आई है, दिस इज आई, राइट. लेकिन पोलराइजर से गुजरते हुए तो वो हाफ ब्लॉक, हाफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट है वो तो आपने ब्लॉक कर दिए. कैसे? हॉरिजॉन्टली सारा ब्लॉक हो गया, वर्टिकली अलाउ हो गया. तो जब यहां से लाइट निकलेगी तो याद रखिएगा पोलराइजर से जब लाइट निकलती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, उसके मुकाबले में हाफ हो जाती है. मतलब वो इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय
टू. तो अगर उधर से आपसे कहें कि आई इंटेंसिटी निकल रही है एक सोर्स से, तो सोर्स से हमेशा अनपोलराइज्ड लाइट निकलता है, एंड यू हैव पास्ड इट, यू हैव पास्ड द अनपोलराइज्ड लाइट थ्रू अ पोलराइजर, देन व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इमर्जिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पोलराइज्ड ग्लास, देन द न्यू इंटेंसिटी विल बी एक्चुअली द हाफ ऑफ द इनिशियल इंटेंसिटी. याद रखिएगा, ठीक है जी. सो दिस इज द पोलराइजेशन. अच्छा, अब अगर मैं ऐसे कर दूं, देन दिस हैपेंस टू बी द लास्ट पार्ट. ये आपने अभी लिख लिया होगा, राइट? आई नीड टू वाइप दिस ऑफ. तो अगर लिख लिया है, सो बिकॉज अब मुझे इस लाइट को किसी और से भी गुजारना है, सो ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है जी. ये भी मिटा देता हूं, ठीक है. अच्छा, अब यही वाला लाइट, राइट, इमेजिन करो कि ये इस तरह जा रहा है ना, यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं. तो यही वाला लाइट आपके पास, ये उसका वन, राइट, ये उसके टू का हाफ और ये फोर का हाफ, राइट, जो वर्टिकल ड्रॉ. अब अगर मैं यही वाला पोलराइजर, इसको हम क्या कहेंगे, पोलराइजर, राइट, उसको मैं बाई 90 डिग्री रोटेट करके ऐसे रखू लाइक दिस. देखते जाए, लेट मी show it to you over here. थोड़ा सा मैं ये बुक यूज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, या ये यूज कर लेता हूं बल्कि, राइट राइट. सो वेट फॉर इट बच्चे. नाउ दिस इज द पोलराइजर, राइट. तो इधर से ये लाइट निकल आया. अब जब ये लाइट इस तरह जा रहा है, ये तीन देखिए, दिस इज वन टू एंड थ्री, राइट. अब अगर मैं इसी तरह का एक पोलराइजर इस तरह 90 डिग्री से रोटेट करके, राइट, कैसे सुने, देखिए यहां से अनपोलराइज लाइट निकला, उसके सिर्फ पोलराइज जो ये वाले हैं ये पास हुए इस तरह से, राइट, पास हो गए. अब अगर मैं इसी तरह का एक पोलराइजर इस लाइट के जो पोलराइज हो चुका है, इंटेंसिटी आई बाई टू, उसकी इंटेंसिटी हाफ हो चुकी है, अगर उसके सामने इस तरह 90 डिग्री से इन्वर्ट करके रख दूं लाइक दिस, नाउ कि यही पार्ट है लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया है, इस तरह रोटेट करवा दिया है, ठीक है जी. सो नाउ क्या होगा आपके पास, कि नाउ यू रोटेट द सेम पोलराइजर बाय 90 डिग्री, तो आपके पास वो जो पोलराइज है वो तो इस तरह हो जाएंगे ना, राइट. वो जो लाइंस है जो कि ऐसे हुआ करते थे, तो बाय 90 डिग्री रोटेट करने से तो ऐसे हो जाएंगे. अब आप ये उस तीन के सामने रखो तो क्या होगा, अब आपके पास ये जो है ये सिर्फ इस तरफ जाने वाले को अलाउ करेगा, और ऐसे जाने को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा. और यहां पर अगर आप देख लो तो ये सारे के सारे क्या है, वर्टिकल, और अब ये हॉरिजॉन्टल को अलाउ करता है. तो ये लाइट जब इधर से पास होगा तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, नो लाइट, नथिंग, कोई भी लाइट आपको नहीं मिलेगा, ठीक हुआ जी, राइट. सो दिस पोलराइजर व्हेन इट इज rotated by 90 degree polarizer, when rotated by 90 degree, ठीक है जी, and placed in front of a polarized light is called what? Analyzer. इसको हम एनालाइजर कहते हैं, ठीक है जी. सो इट इज एक्चुअली अ पोलराइजर बट रोटेटेड बाय 90 डिग्री एंड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द पोलराइज्ड लाइट, ठीक है जी. तो यहां पर आपको कोई भी लाइट मिलने वाली वाला, वो सारे का सारा लाइट ब्लॉक कर देगा. और जो ब्लॉक हो रहा है ना, देखिए यहां पर हाफ अलाउ हुआ, तो वो हाफ किधर गया, वो हाफ एनर्जी किधर गई, वो इस ग्लास के एटम्स ने एब्जॉर्ब की है, एटम्स की वाइब्रेशन एनर्जी जो है वो बढ़ी होगी, ग्लास गर्म होता चला जाएगा, ठीक है जी. सो दैट्स द वे इट गोस. सही जी, इंशाल्लाह से अगर नेक्स्ट लेक्चर में टाइम मिला तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां पर समझेंगे कि एक्चुअली ये एटम्स जो हैं, राइट, ये कैसे आप मतलब ये कैसे करते हैं कि ये इसको अलाउ करेंगे और उसको अलाउ नहीं करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे को अलाउ नहीं कर रहा उसको अलाउ कर रहा है. तो यहां पर आपके पास एक्चुअली एटम्स, चलिए इसी के अंदर थोड़ा सा बता देता हूं कि एटम इज एक्चुअली एटम्स और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अब जाहिर सी बात है कि इट जिगल्स, राइट, तो हम उसको मैन्युफैक्चर ऐसे करते हैं, वो क्रिस्टलाइज ऐसे बनते हैं, ठीक है जी, कि वो जो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है ना, वो सिर्फ ऐसे ऐसे होती है मैक्सिमम पावर पर. तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे होते हैं कि कुछ इधर आ जाते हैं कभी कभी ज्यादातर, और ये पॉजिटिव हुआ, राइट,
तो अब आपके पास ऐसे हो गया ना, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब कुछ देर बाद आपके पास ये ऐसे आ जाते हैं, ये पॉजिटिव है लेकिन उनका बल्क जो है वो इधर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के मॉडल की तरफ मैं शेयर कर रहा हूं। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो अब आपके पास जो यहां पर एटम्स है ना वो सिर्फ ऐसे वाइब्रेट करते हैं, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऐसे होता है, या तो ऐसे या ऐसे, या ऐसे या ऐसे, ऐसे या ऐसे, राइट। तो सिर्फ ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना ये अलाउ हो जाएगी और बाकी वाली ब्लॉक हो जाएगी, बिकॉज वो एटम ऐसे वाइब्रेट नहीं कर रहे, वो सिर्फ ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, राइट। सही, सो दैट्स द वे इट गोस। सिर्फ सिंपल मैंने आपको बताया, अदरवाइज इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट। So that's the end of the polarization of light, and in the next lecture we are going to understand some methods of how we can polarize light. Ek to polarizer ke through hum kar dete hain na, right? By the way, polarized glasses buildings mein use hoti hain bade bade, taki wo light ki intensity ko kam aane de aur half ko block kar de, sahi. So in the next method we are going to understand the methods of polarization, and one in particular that is polarization by reflection. लाइट को हम किसी शाइनी सरफेस से रिफ्लेक्ट करके उसको पोलराइज कर सकते हैं। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट आता है वो पार्शियली पोलराइज भी हो सकता है और प्लेन पोलराइज भी हो सकता है। दैट विल बी कॉल्ड ब्रूस्टर लॉ, राइट। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो लिंक दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए इसको एक्स्ट्रा स्टफ के लिए। सो अस्सलाम वालेकुम।